ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে তুঙ্গে তৃণমূলের কোন্দল। সাংসদ অর্জুন সিং বনাম বিধায়ক সোমনাথ স্যাম। ব্যারাকপুরে দুষ্কৃতি দৌড়াতে সাংসদকে নিশানা, অর্জুন সিংকে নিশানা বিধায়ক সোমনাথ স্যামের। পাল্টা বিধায়ককে আক্রমণে অর্জুন সিং। लोगों को पेंशन नहीं दे पा रहा है, लेकिन आपके आंख में जरा सर भी शर्म नहीं है कि मैं इतना रुपया लूटा हूं उस भाटपाड़ा पौरसभा से, आज कम से कम 4.5 करोड़ रुपया भाटपाड़ा पौरसभा में लौटा दूं। लेकिन आप चले गए भरतपुर जेल में वाटर प्यूरिफायर लगाने के लिए, क्यों? वहां नूरे जमाल को गोली करने वाले जो शख्स वहां था उससे बात करना आपको जाना था। धारू सिंह को गोली मारने आया, कहां से आया? मेघना जुट मिलकर लाइन में से आया। नूरे जमाल को मारने आया तो कहां से आया? मेघना जुट मिल लाइन में से आया। चंद दिनों पहले मेघना जुट मिल के लाइन में से निकलकर तो कुछ लोग विकी जाधव को गोली मार दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं ये सांसद का भतीजा पप्पू सिंह विकी सिंह को खून कराया। मुझे समझ में नहीं आता कि भोटी मुर्दा भी लोगों को बोलना है। विपिन फिनांस का पैसा से आज कल नेतृत्व दिया जा रहा, और भी कोर्ट का ऑर्डर से म्युनिसिपैलिटी में मातृ सदन था, बंद हो गया, कोई बच्चा वहां पैदा नहीं होता, डायलिसिस होता था, बंद हो गया। ममता बनर्जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और ममता बनर्जी को चैलेंज किया जा रहा है। अभी मानी ना, तू माने ना माने, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम एक भूत पर नहीं खड़ा हो गए हो पाओगे। मेघना पूरी लाइन में मारने वाला वहीं से निकलता है, ढूंढने वाला वहीं से, तुम कर वहां देख रहे थे। पप्पू सिंह हमारा भतीजा, मेरा एक भतीजा मेरे साथ रहता है तो खुनी हो गया, अब मेरा एक भतीजा तुम्हारे साथ रहता है। আর এই অন্তর্দ্বন্দ্বে কি বলছে বিজেপি শোনাব। কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম জগদ্দল বিধায়ক প্রকাশ মঞ্চ থেকে মাননীয় সাংসদকে অ্যাটাক করছেন, ওনার দলেই সাংসদ। আবার আজকে অন্য গোষ্ঠী আবার বিধায়ককে বিভিন্ন দুর্নীতিতে যুক্ত জন্য প্রকাশে বলল, কিন্তু এইটার মধ্যে ভাটপাড়াবাসীদের কত অসুবিধা হচ্ছে এটা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা বা সিনিয়র নেতারা বুঝছে না। ওইখানে মিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ হত্যা হচ্ছে, এইটা মাথায় না রেখে শুধু নিজেদের স্বার্থের জন্য এরকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যেভাবে চলছে, তাহলে আগামী দিন ভাটপাড়া আরো সন্ত্রাস কিন্তু বাড়বে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।